अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नाजिया अल्दाफ़ अहमद फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन जेटी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर कॉजेस 40YBA G3। द टाइटल ऑफ द पेपर इन TYBA इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 1914 to 1992। द टाइटल ऑफ द यूनिट इज वर्ल्ड वॉर सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ कॉजेज़ के बारे में मालूमात हासिल की थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में, है ना। अब आगे के नेक्स्ट कॉजेज भी हम देख लेते हैं। उसमें पहली कॉजेज हमारी थी वॉर ऑफ रिवेंज, है ना, बदले की आग। जर्मनी की आवाम के अंदर जो है तो बदले की आग, यानी कि उनके ऊपर जो शरायत आयद की गई थी उस शरायत को लेकर जर्मन पीपल के अंदर जो बेचैनी थी, ये एक खास वजह थी वर्ल्ड वॉर सेकंड की। सेकंड उसकी कॉजेस थी डिक्टेटरशिप मेड द वॉर इनवाइटेबल, है ना। बढ़ती हुई आमरीत पसंदी ने भी जंग को मधु किया। ज़्यादातर ममालिक को ये खौफ था कि जर्मनी अपनी हदों को बढ़ा रहा है ना। आमरीत पसंदी को ने भी जंग को मधु किया। उसके बाद आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। उसके बाद जो है तो जमहूरियत और आमरीत का नज़रियाती तसादुम, ये भी अहम पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि दूसरी आलमी जंग के दौरान ज़्यादातर ममालिक जो थे वो जमहूरियत के पैरोकार थे, है ना। जमहूरियत के नज़रियात को बालाए ताक रखते हुए और आमरीत पसंदी को जो है तो उरूज पर लाना, ये भी एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की कॉजेस में से था। उसके बाद हमने देखा था कि ये तीन कॉजेस हम देख चुके थे। चौथी कॉजेस जो हमारी है, एब्सेंस ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज कुड हैव ब्रॉट अंडर प्रोवाइडेड देयर एग्जिस्टेड एन इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द ग्रोइंग एनमिटी। लीग ऑफ नेशन जो थी वो जो तो फेल हो गई थी। उस ज़माने में लीग ऑफ नेशन थी, उसने जो तो अपना काम नहीं कर पा रही थी। लीग ऑफ नेशन का जो रोल होना चाहिए था वो नहीं था, जिसकी वजह से लग रहा था कि बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं है। UNO 1945 के बाद बनी और आज तक कायम है। लीग ऑफ नेशन पहली आलमी जंग के बाद बनी और UNO दूसरी आलमी जंग के बाद बनी। तो लीग ऑफ नेशन के पहले मजलिस अक़वाम, अगर दोनों से ही पहली दुनिया के तमाम ममालिक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया करते थे, इसे हेग कॉन्फ्रेंस कहते थे, जो कि जेनेवा में होती थी, है ना। अब हेग कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो पहली आलमी जंग हुई, और लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो दूसरी आलमी जंग हुई, अब UNO फेल होगी तो तीसरी आलमी जंग होगी। तो इस तरह से जो है तो ये सब कॉजेस बनते गए आलमी जंगों के। उसके बाद इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डेमोक्रेसी पावर। सिंस आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द हारमनी अमंग डेमोक्रेटिक नेशंस वॉज नॉट मेंटेन, है ना। इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डेमोक्रेसी पावर। वंस द पर्पज ऑफ विनिंग द वॉर वॉज अचीव्ड, ईच ऑफ द डेमोक्रेटिक पावर ड्रिफ्टेड असाइड टू फॉलो इट्स ओन पॉलिसी, है ना। क्या था कि डेमोक्रेटिक पावर जितनी थी, अमेरिका, UK, फ्रांस, ये वो लोग थे, इन लोगों में जो तसादुम होने लगा था तो उन लोगों में नज़रियाती इख्तलाफ़ पैदा होने लगा था, जैसे कि हमारे यहाँ होती है नज़रियाती जंग। जमहूरियत में नज़रियाती इख्तलाफ़ हैं, नज़रियाती इख्तलाफ़ जमहूरियत में भी पाया जाता है। जैसे है यहाँ हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, BJP, कांग्रेस, मनसे, शिवसेना। अमेरिका में डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक। तो इस तरह से इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डेमोक्रेसी पावर, है ना, डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर भी जो तो बहुत सारे नज़रियाती इख्तलाफात की जंग भी जो है तो जंग को इनवाइट किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर की कॉजेज़ बना। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतायज, उसके असरात। ग्रेट होलोकॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना। होलोकॉस्ट यहूदियों की बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी को कहा जाता है। नो कंट्री वॉज फ्री फ्राम द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। एक्यूट स्केयरसिटी ऑफ फूड, क्लोथ, केरोसिन, पेट्रोल, साल्ट एक्सेट्रा। ग्रेट होलोकॉस्ट, यहूदियों का बड़े पैमाने पर जो है तो कत्लेआम इसमें किया गया, है ना।
जर्मनी के अंदर जो बदले की आग थी उस बिना पर उन्होंने जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपनी जारियत पसंदी दिखाई और जर्मनी में जो है तो उसने यहूदियों को जो बेतहाशा उसने खून खराबा किया, उसने जो पार्टी बनाई थी उसकी बदौलत है ना 15 लाख बच्चों को जो उसने इसमें मारे गए और इस तरह से जो है तो आलमगीर बर्बादी बड़े पैमाने पर हुई। और मॉरल डिग्रेडेशन, द वॉर वॉज ब्रॉट अबाउट द मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ मैन, द टू एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और इस तरह से जो है तो पहले तो स्केयरसिटी ऑफ फूड, क्लोथ, केरोसिन, पेट्रोल, साल्ट एक्सेट्रा मेड द लाइफ मिजरेबल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर, जंग के दौरान और जंग के बाद मुसीबत ज़दा और बहुत ख़राब और बड़े पैमाने पर जो है तो ज़िंदगियां जो तो उथल पुथल हुई है ना, 25 करोड़ लोग जो है तो मारे गए इस जंग में, अबाउट 25 मिलियन सोल्जर्स एंड 28 मिलियन ऑफ सिविलियन वेयर किल्ड, है ना 25 करोड़ लोग जो है तो इसमें मारे गए, 25 मिलियन है ना सिपाही यानी फुल सोल्जर्स मारे गए। और इस तरह से जो है तो इस पहली आलमी जंग से ज़्यादा तबाही और बर्बादी जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई। मॉरल डिग्रेडेशन, द वॉर वॉज ब्रॉट अबाउट द मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ मैन, है ना कि अमेरिका ने जो है तो इसके इसमें जापान के दो बड़े अहम शहरों पर जो है तो ऐसे एटॉमिक बम गिराए जिसके आज भी उसके असरात नुमाया नज़र आते हैं, तो ये इंसानियत का कहना चाहिए इंसान अपनी अकदार से जो है तो गिरा। तो ये उसमें ये चीज़ बताई गई है कि इंग्लैंड एज सेकंड रेट पावर, दो थ्रो इंग्लैंड वॉज विक्टोरियस हर स्टेटस इन द इंटरनेशनल फील्ड वॉज लोअर्ड, द स्ट्रेन ऑफ वॉर वॉज टू मच ऑन ब्रिटेन एंड शी अलोन वुड नॉट हैव बीन एबल टू सर्वाइव। इस तरह से कुछ कहना चाहिए असरात नुमायाँ मुरतब हुए, कुछ असरात जो है तो किसी कंट्री के लिए अपनी रेशों में वो आगे आ गया, कुछ सेकंड रेट कुछ कंट्रीज अपनी जो है तो मुकाम को जैसे बहुत सारे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है तो सुपर पावर बन गया था जापान और अमेरिका, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है तो जापान पर जो है तो अमेरिका ने ही बम दागे तो जापान का रेशो घट गया। इस तरह से और भी कुछ ऐसे ममालिक थे जिनके आलमी कहना चाहिए आलमी स्टेटस किसी का लो हुआ किसी का जो है तो बढ़ गया है ना हाई हो गया। फ्रांस वॉर रेवेज्ड एंड लोअर्ड इन स्टेटस, जैसे फ्रांस का स्टेटस जो है तो गिर गया। जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस ड्यूरिंग द वॉर एंड ग्रेट डेवलपमेंट टुक प्लेस, द स्ट्रेन ऑफ वॉर ऑन फ्रांस वॉज बियॉन्ड हर कैपेसिटी, दो फ्रांस अल्टीमेटली केम आउट सक्सेसफुली। अमेरिका एज अ सुपर पावर है ना, जापान अमेरिका के साथ जापान भी जो है तो फर्स्ट रेट पहली आलमी जंग में खड़ा था, लेकिन जब उसने जो है तो जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है तो उसने दो एटॉमिक बम गिराए तो उस वक्त जापान की कंडीशन जो है तो उसका रेशो जो है तो स्टेटस जो है तो लो हो गया। और इस तरह अमेरिका जो है तो सिर्फ सुपर पावर की रेस में आगे आ गया फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी। द यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका इमर्ज्ड एज अ ग्रेट सुपर पावर, अमेरिका वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द पावर ऑफ एक्सिस एंड टू एंड द वॉर। इस तरह से जो है तो इंग्लैंड सेकंड रेट पर चला गया और अमेरिका जो है तो फर्स्ट रेंज में आ गया। उसके बाद और भी बहुत सारे नतायज इसके मिले, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्युनिज्म, सोवियत रशिया बिकम अनदर सुपर पावर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल एज सब्जेक्ट्स, और इन अ वे द सेकंड वर्ल्ड वॉर केम एज अ ब्लेजिंग टू द पीपल एज सब्जेक्ट फॉर द ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इटालियन एंड अदर एम्पायर्स। अंग्रेज़ों की नौ आबादियाती पॉलिसी के जो खिलाफ थी और दूसरी आलमी जंग के लिए जो तो इनके लिए जो अच्छी साबित हुई, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली एंड जापान विच वेयर एक्सिस पावर वेयर डिस्ट्रॉयड,
इस तरह से जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतायज कुछ ममालिक के लिए अच्छे भी साबित हुए और कुछ ममालिक के रेशो लोअर स्टेटस लो भी हुए। किसी कोई कंट्री आगे आया, किसी की कंडीशन ख़राब हुई और किसी के का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, और कोई जो तो बहुत बड़ा जो तो सुपर पावर बन गया, जैसे अमेरिका अ सुपर पावर। इस तरह से जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी कुछ ममालिक का जो तो नतायज उसके लिए अच्छे साबित हुए और कुछ के लिए जो तो ख़राब साबित हुए। ओके, नेक्स्ट पीपीटी हम जो तो अगले लेक्चर में अगले पॉइंट के साथ उस पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।